सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता अध्यापिका हूँ कंपोजिट स्कूल कोयना जनपद हापुड़ में। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है, आज हम इसके भाग चार पर चर्चा करेंगे। भाग चार में कुल पांच परिशिष्ट हैं। इसमें प्रथम परिशिष्ट में आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, दो में अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, परिशिष्ट तीन में ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, परिशिष्ट चार में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और परिशिष्ट पाँच ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी, ये दिए हुए हैं। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे आगामी सत्र में हमारे लिए बहुत ही सुविधा होगी। परिशिष्ट एक में आरंभिक आकलन या आधारभूत असेसमेंट परीक्षण प्रपत्र के नमूने दिए हुए हैं। जैसे पहला जो नमूना है वो कक्षा तीन के लिए दिया है, हिंदी विषय का। इसमें हमें दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न पूछा है नीचे दिए गए वर्णों को पढ़िए, फिर है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, उसके बाद एक चित्र दिया गया है, उसके ऊपर बच्चे से तीन से पाँच वाक्य बोलने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसमें पढ़ने वाले प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में है कि अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाइए, फिर शब्दों को पढ़िए, उसके बाद सुनकर शब्दों को लिखिए, वाक्यों को पढ़िए, नीचे दिए गए फिर विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, फिर अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न हैं पाँच। तो इस तरह से कुल 15 प्रश्न हैं, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप और 5 सब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये जो परीक्षण प्रपत्र बनेगा, जिस कक्षा के लिए बनाया जा रहा है, उससे पहले जितनी भी कक्षाएं बच्चा पढ़ के आ चुका है, उन सबके लर्निंग आउटकम्स पर बेस्ड होंगे। इसके बाद कक्षा 6 के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बना है, जो कि गणित विषय का इन्होंने दिया है। पहले पैटर्न को पूरा करिए, फिर जोड़ और घटा के सवाल, गुणा के सवाल, उसके बाद में कुछ सम और विषम संख्याओं के सवाल हैं, संख्याओं का योगफल दिया है, एक संख्या दी गई, दूसरी पूछी है, स्थानीय मान पूछा है, हमें दिखाई दे रहा है भिन्न से संबंधित प्रश्न है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगवाया है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो तीन दो तीन और चार से विभाजित हो जाती है, इसके बाद एक ज्यामिति पर बेस्ड प्रश्न है, फिर भिन्न और दशमलव का एक प्रश्न है। इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है इसमें कुल मिलाकर के 25 प्रश्न हैं। और जो इसके लिए बताया गया है वो ये है कि 20 प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 5 सब्जेक्टिव टाइप होंगे। हर प्रश्न का जो मूल्य होगा वो 3 अंक होगा। उसमें बच्चे को 3, 2, 1 या 0 अंक दिए जा सकते हैं। उसके बाद हमें एक विज्ञान विषय का परीक्षण प्रपत्र है कक्षा 8 के लिए। इसमें भी कुल मिलाकर के इसी तरह से 25 प्रश्न होंगे, 20 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव। तो इस तरह से ये परीक्षण प्रपत्रों के नमूने इसमें दिए हुए हैं। फिर इंग्लिश का दिया हुआ है। इंग्लिश के बाद में इन्होंने परिशिष्ट 2 ली है, अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण। इसमें विद्यालय का नाम, विद्यार्थी का नाम, शैक्षणिक वर्ष और यहाँ पे प्रमुख जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है। उसके बराबर में हमें लिखना है कि अधिगम परिणाम प्राप्ति की स्थिति उस बच्चे की क्या है, कौन सा अधिगम परिणाम उसने किस हद तक प्राप्त किया है, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या नगण्य, ये हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसी तरह से कक्षा 2 की दी हुई है 5 लर्निंग आउटकम हिंदी विषय के, कक्षा 3 के 7 लर्निंग आउटकम है हिंदी विषय के, कक्षा 4 के 7 लर्निंग आउटकम हिंदी विषय के, 5 के 5, कक्षा 6 के 5, कक्षा 7 के 4 और कक्षा 8 के 8 3 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। गणित विषय में कक्षा 1 के 5, 2 के 6, कक्षा 3 के 5, कक्षा 4 के 5, कक्षा 5 के 5, 6 के दिए हैं 7, कक्षा 7 के भी 7 और कक्षा 8 के भी 8 लर्निंग आउटकम हैं। विज्ञान विषय की बात करें तो कक्षा 6 के लिए 9 लर्निंग आउटकम दिए हैं, 7 के लिए 8 और कक्षा 8 के लिए 11 लर्निंग आउटकम दिए हैं। इंग्लिश विषय में कक्षा 1 के लिए 6, कक्षा 2 के लिए 8, कक्षा 3 के लिए 6, कक्षा 4 के लिए 5, कक्षा 5 के लिए 5, कक्षा 6 के लिए 5, कक्षा 7 के लिए 5 और 8 के लिए 4 मुख्य लर्निंग आउटकम यहाँ पे दिए हैं। परिशिष्ट 3 यानी कि ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, ये पेज नंबर 121 से शुरू हुई है और इसमें ध्यानाकर्षण तकनीकें दी गई हैं, उसके सामने क्या संभावित परिणाम या लाभ इससे प्राप्त होते हैं उनके विषय में बताया गया है। कुल 18 शिक्षण ध्यानाकर्षण तकनीकें के बारे में इसमें बताया गया है।
पहली है संसाधनों से पूर्ण कक्षा, कक्ष का वातावरण, और इसमें जो लाभ होगा वो ये कि बच्चे आनंददायक तरीके से सीखेंगे। फिर बैठक व्यवस्था, इसमें हम हर बच्चे का ध्यान रखेंगे कि किसकी क्या समस्या है, उसके अनुसार उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, या कोई जो एक्टिविटी कराई जा रही है उसके अनुसार लघु समूह में या बड़े समूह में बैठाएंगे। फिर है रोचक प्रस्तावना। रोचक प्रस्तावना से ये होता है कि बच्चे के मन में जिज्ञासा पैदा होती है, रुचि बनती है उसकी, और वो ज़्यादा अच्छा सीखता है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री, जैसे फ्लैश कार्ड, चार्ट, चित्र कार्ड, मॉडल, वर्किंग मॉडल वगैरह, ऑडियो वीडियो, कुछ भी इस्तेमाल करा जा सकता है। तो इससे बच्चे के लिए सीखना वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, क्योंकि जब हम ऑडियो विजुअल एड्स या विजुअल एड्स हम यूज़ करते हैं तो उससे लर्निंग थोड़ा परमानेंट होती है। फिर शैक्षिक गतिविधियाँ, नवाचार, रोचक खेल वगैरह, तो इन सब से बच्चे को सीखने में मदद मिलती है, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। प्रश्न पूछना, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना और बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तो इससे बच्चे की जिज्ञासा ज़्यादा से ज़्यादा होती है, वो आसानी से प्रश्न पूछ पाता है, बच्चे में सोचने और तर्क करने की एक शक्ति विकसित होती है। फिर है टॉक फॉर लर्निंग, शिक्षक और बच्चों के बीच में आपस में बातचीत और बच्चों में आपस में बातचीत, तो इससे शिक्षक और बच्चों के मध्य आत्मीय संबंध बनता है और बच्चों में तर्क करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की एक आदत विकसित होती है। फिर है यूज़ ऑफ वर्कशीट्स, तो बच्चे को अगर स्वतंत्र रूप से एक एक वर्कशीट्स प्रोवाइड कराई जाती है, बच्चे इंडिविजुअली काम करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी लर्निंग बढ़ती है। फिर है सभी को इन्वॉल्व करना, शिक्षक का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो क्लास के हर बच्चे को गतिविधि में ध्यान दे, सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे सीखने में पिछड़ जाने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर हो जाएगी। फिर है ग्रुप वर्क, 3 से 5 बच्चों का मिश्रित लघु समूह बनाया जाए, बच्चे आपस में तर्क वितर्क करके किसी निर्णय तक पहुँचे। फिर है जोड़ी में कार्य, ऐसी जोड़ी बनाई जाए जिसमें एक जोड़ी का में एक बच्चा दूसरे की मदद करने की क्षमता रखता हो, तो बच्चे एक दूसरे की मदद करते हुए सीखेंगे। फिर है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, ये हमें आसानी से मिल जाते हैं, इनमें कोई खर्च नहीं होता है, अगर कोई नुकसान भी हो जाए तो उसकी ज़्यादा चिंता नहीं होती है। फिर है अभ्यास के अवसर देना, जितने ज़्यादा अभ्यास के अवसर दिए जाएंगे उतनी ही दक्षताओं में बच्चे निपुण होंगे। फिर है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, तो अभ्यास की विविधतापूर्ण और अधिक अवसर प्राप्त होने से प्रत्येक गति से सीखने वाले बच्चों को मदद मिलेगी। फिर है पॉजिटिव फीडबैक देना, तो बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बच्चे वो प्रतिभागता करने और सीखने के लिए तत्पर होंगे, बच्चों को भी पता चलेगा उन्हें कहाँ और ज़्यादा मेहनत करनी है। शैक्षिक भ्रमण से बच्चों को स्थलीय अवलोकन हम कराएं, प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त कराएं, तो इससे बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। सरल से कठिन की ओर, बच्चे स्वयं अनुभव करके अपनी समझ का निर्माण करेंगे और ये बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होगा। फिर है 18वां है प्रोजेक्ट वर्क, इसमें बच्चे स्वयं खोज करके सीखेंगे, तो इससे बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ेगी, उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त होंगे और इससे बच्चों में प्रेक्षण, तर्क शक्ति, व्याख्या, निष्कर्ष और प्रतिवेदन जैसे कौशलों का विकास करने का मौका मिलेगा। फिर अक्सर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसको हम फिक कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। इसमें ध्यानाकर्षण शिविर की बात हो रही है कि ये किस तरह से एक सामान्य कक्षा से अलग होगा। तो ध्यानाकर्षण शिविर विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका अधिगम स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है या जो सीखने में कक्षा के बाकी बच्चों से पिछड़ गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए सामान्य रूप से कक्षा शिक्षण का कोई लाभ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बच्चों को स्तरवार समूह बनाकर, आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना बनाकर उनके साथ शिक्षण कार्य करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ध्यानाकर्षण शिविर के उपरांत क्या अलग से कक्षा लगाई जाएगी, तो नहीं, अलग से कक्षा लगाने से बच्चे में हीन भावना की पैदा होगी। फिर ध्यानाकर्षण तकनीकों से शिक्षण करेंगे तो पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा, तो जहाँ तक पाठ्यक्रम की बात आती है कि जब तक बच्चे में लर्निंग गैप है तब तक वो उस कक्षा के पाठ्यक्रम से सामंजस्य बैठा ही नहीं पाएगा, तो पहले उस गैप को भरने की ज़रूरत है। इसके बाद है पिछली कक्षा के शिक्षकों ने ठीक से काम नहीं किया तभी बच्चों का अधिगम स्तर कम है, इसकी सज़ा हमें क्यों दी जा रही है, तो इसे हम सज़ा के तौर पर ना देखें, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अपनी कक्षा को बेहतर से बेहतर सीखने में हम मदद करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन तो विद्यालय में लागू नहीं है, तो फिर आप इसकी बात क्यों कह रहे हैं, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन कोई अलग से कार्यक्रम नहीं है, ये तो बच्चा जैसे सीख रहे हैं विभिन्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको साथ साथ असिस्ट करते जाएं। आरंभिक परीक्षण का प्रपत्र कौन तैयार करेगा, तो अभी इसके बारे में बहुत क्लियर कुछ नहीं है, हो सकता है कि ये हमें राज्य स्तर से या जनपद स्तर से मिले। उसके बाद है क्या आरंभिक परीक्षण प्रपत्र को
प्रिंट करा कर बच्चों को देना होगा। अच्छा, तो यही है कि एक एक बच्चे को एक एक मिल जाए, इसके लिए जो विद्यालय फंड है वहाँ से हम ग्रांट ले सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हम शाम पट पे भी लिख सकते हैं। हमारे यहाँ तो कमज़ोर बच्चे आते, फिर वो कैसे सीखेंगे? तो ये एक हमारे मन में भ्रांति है। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कोई किसी विषय में अच्छा होता है और कोई किसी विषय में अच्छा होता है। तो हमें वो देखना है कि कौन कहाँ अच्छा है और कहाँ थोड़ा सा वीक है, उसके हिसाब से हम उसके लिए व्यवस्था करें। माता पिता तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, तो हम उन्हें कहाँ तक पढ़ा पाएंगे? तो हम अपने कर्तव्यों की बात करें, अपने दायित्वों की बात करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें तो निश्चित रूप से बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ेगा। क्या इस प्रकार के ध्यान आकर्षण शिक्षण में समुदाय का सहयोग ले सकते हैं? तो इसमें है कि हम बिल्कुल ले सकते हैं। जो हमारे समुदाय के लोग शिक्षित लोग हैं, हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो स्कूल में आकर के एक दो घंटे के लिए शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इसके बाद परिशिष्ट 5 है ध्यान आकर्षण शिविर हेतु समय सारणी, इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। समूह जो 1 बनेगा वो कक्षा 1 से 3 अधिगम स्तर वाले बच्चों का है, समूह 2 कक्षा 4 से 5 अधिगम स्तर वाले बच्चों का, और समूह 3 कक्षा 6 से 7 अधिगम स्तर वाले बच्चों का है। यानी कि जो प्राइमरी विद्यालय हैं उनमें 2 समूह बनेंगे, समूह 1 और समूह 2, और जो जूनियर वाले हैं वहाँ पर 3 समूह बनेंगे। और एक वादन 1 घंटे का होगा। एक दिन में एक बच्चे को 4 विषय पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। जो हमारी नियमित प्रार्थना सभा है वो होगी, और बाद में व्यायाम खेल वगैरह भी होंगे। इसमें बीच बीच में जो हमारा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है वो सब चलता रहेगा, और ये ध्यान आकर्षण शिविर 50 दिन तक चलेगा। सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान बच्चों से अधिक क्रियाशीलता पर विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद है ध्यान आकर्षण शिविर की एक साप्ताहिक इन्होंने सारणी दी हुई है, और उसमें बताया गया है कि कौन से सप्ताह में आपको कौन सी तकनीक का आप इस्तेमाल करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी लर्निंग आउटकम को अचीव कर सके। लर्निंग आउटकम शिक्षक स्वयं चयन कर सकते हैं। उसके बाद में कक्षा शिक्षण के दौरान हम क्या करें और क्या ना करें। तो शिक्षण से पूर्व एक तो योजना बना के कक्षा में जाएं, सभी बच्चों को शामिल करें, ज़्यादा आपस में चर्चा परिचर्चा करने के ज़्यादा मौके दें। गतिविधि के दौरान बच्चों के समूह या जोड़े बदलते रहें। बच्चों को पाठ्यपुस्तक और कार्यपुस्तिकाओं में दिए गए अभ्यासों को भी करवाएं। उनके अनुभव और कठिनाइयों को व्यक्त करने का मौका दें। मौखिक और लिखित दोनों कार्य करवाने की कोशिश करें। अच्छे कार्यों के लिए उनकी सराहना करें और पूरी कक्षा के सामने करें। आकलन करने के बाद बच्चों की त्रुटियों कमियों पर सकारात्मक फीडबैक दें। बेझिझक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। जीवन से जुड़ी घटनाओं के उदाहरण देकर के उसकी व्याख्या करें। TLM का जरूरत के हिसाब से प्रयोग करें। हमें क्या नहीं करना है? एक तो बिना शिक्षण योजना के शिक्षण नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किसी को अपमानित नहीं करना है, आवश्यकता से ज़्यादा TLM भी नहीं यूज़ करना है। किसी बच्चे को संपूर्ण कक्षा के सामने मजाक का मौका बने उसका ऐसा बिल्कुल अवसर ना आने दें। बच्चों को अस्पष्ट निर्देश ना दें। पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिकाओं के अभ्यासों को पूर्ण करते समय बच्चों की त्रुटियों पर उन्हें हतोत्साहित ना करें। प्रश्न पूछने के लिए उन्हें उत्साहित करें। हमारा कोई भी कार्य और व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध ना हो, बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो इस तरह से हमने मिशन प्रेरणा के ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 4 पर आज विस्तार से चर्चा करी। अगर हम इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शिक्षक के रूप में निश्चित रूप से हम सफल होंगे, और हमारे जो बच्चे हैं उनका लर्निंग गैप खत्म होगा। वो मूल धारा में जुड़ करके अपने अधिगम स्तर को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।